सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। फिर से स्वागत है क्लैश ऑफ क्लैंस के न्यू वीडियो में। यहाँ पे मैं टर्मिनल लाइन के आईडी के ऊपर आ चुका हूँ। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, जितने आप सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत खुश हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे टर्मिनल लाइन के आईडी के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे ये आईडी देख सकते हैं, मेरा फुल्ली मैक्स आउट है और सिर्फ किंग को छोड़कर, किंग 28 लेवल की है। तो कुछ ही दिन बाद इसको भी मैं मैक्स करने वाला, टर्मिनल लाइन फुल मैक्स हो जाएगा। इसको मैं अपग्रेडिंग में डालने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे आईडी है जो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं रोड टू मैक्स टू टर्मिनल 10 ये करने वाला सब नहीं हूँ। ओके, सो अभी चलते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे CWL चल रहा है, तो सिक्स ऑफ डे है। ओके, हम लोग यहाँ पे नंबर 2 में। तो यहाँ पे CWL में मैंने टर्मिनल लाइन से मतलब बेहतरीन अटैक किया, बेहतरीन तो बोल नहीं सकते बट सिंपल से अटैक किया। बट उसी अटैक शेयर करने वाला आप सभी को। तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद प्लीज़ बोल देना कि वीडियो कैसा था और अटैक कैसा था। ओके, यहाँ पे चलते स्कॉट करते एक बार। तो टर्मिनल लाइन वर्सेस टर्मिनल लाइन हुआ था, बेस देख सकते हो, ये मतलब स्प्रेड बेस है। ओके, यहाँ पे जितने सारे सीसी और एयर डिफेंस अंदर की तरफ है, और लावालून्स की बात किया जाए तो इसमें मतलब एंटी लावालून है और एंटी विस्लैप भी था। अगर विस्लैप किया तो यहाँ पे मैं इजी कर देता, और क्वीन वॉक के साथ हॉगिंग भी ये मतलब मुश्किल था। ओके, तो रिप्ले एक बार प्ले करने वाला हूँ। यहाँ पे देखते इस साइड में मेरा टॉप साइड में मैंने हीरोज के साथ क्लियर किया, और यहाँ पे आ गया था ये मेरा इलेक्ट्रो ड्रैगन। तो एक बार 4x स्पीड में कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट अटैक भी मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन ने बहुत ही अच्छे काम किया, रेजिस्पेल के साथ यहाँ पे क्वीन को डाउन किया, और मैंने क्वीन को फ्रीज करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। और लास्ट में आके मतलब यहाँ पे क्वीन ने ले लिया इलेक्ट्रो ड्रैगन को, बहुत अच्छी बात थी। और इलेक्ट्रो ड्रैगन डाउन होने के बाद क्वीन ने ले लिया टाउनहॉल को, और यहाँ पे मैंने इस साइड से मतलब लेफ्ट साइड से लाल उन्स स्टार्ट कर दिया, और रेजिस्पेल और हेस्ट स्पेल बाकी था मतलब बचा था, उसको मैंने अच्छी तरीके से मतलब यूज़ किया इस बेस के ऊपर। तो अटैक मतलब इजी था, बट मतलब बेस हार्ड भी था, तो मतलब उतना हार्ड भी नहीं था, ठीक है। तो जितना हो सके मतलब इजी लगा मुझे अटैक्स। सो अभी नेक्स्ट अटैक में जाने वाला हूँ। तो आप लोग अगर वीडियो पॉज करके बताना प्लीज़, ये अटैक कौन सी किस मतलब कौन सी आर्मी से हो सकता है इस बेस के ऊपर। तो टर्मिनल लाइन में मैंने इस बेस के ऊपर यूज़ किया था। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो टर्मिनल 10 में एक लेवल अपग्रेडेड ये डिफेंस था, ठीक है। ये कैनन्स हो गया, आज टावर हो गया, विजर टावर हो गया, बॉम टावर, मतलब एक लेवल अपग्रेडेड थे। और इसका हीरोज़ की बात किया जाती है, अनमैक्स हीरोज मतलब 19 किंग है और क्वीन 26। और इस बेस के ऊपर मैंने विच स्लैप आर्मी यूज़ किया, तो यहाँ पे देख सकते हो विच स्लैप आर्मी कंपोजिशन, बहुत इजी है ये अटैक स्ट्रेटेजी। ओके, यहाँ पे आ गया मेरा ये जो मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों साइड में ये साइड क्लियरिंग के लिए ये आ गया मेरा विच, और उसके पीछे दो दो हिलर्स, ताकि हिलर्स बचा सके विच को। ओके, यहाँ पे जब भी ये साइड कैप क्लियर हो गया, तो मैंने यहाँ पे बीच में डाल दिया मेरा हीरोज और सीसी गोलेम्स वगैरह सब कुछ। तो एक बार 4x स्पीड में देख लेंगे, ठीक है। तो मतलब अटैक ऐसे बात किया जाए तो ये इतना इजी भी बेस नहीं था, टर्मिनल 9 वर्सेस टर्मिनल 10 मतलब बहुत हार्ड होता है। बट फिर भी गाइस इसमें आ गया था मतलब 3 स्टार, मतलब इजीली आ गया था, ठीक है। ऐसे बात किया जाए इजीली अटैक्स मतलब इजी अटैक्स था, और 3 स्टार भी इजी आ गया था। ओके, सो गाइस मतलब यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में ये ट्रोल टेस्ला था, और यहाँ पे एक साइड में टेस्ला रख दिया था। अगर मैं इस साइड से जाता तो यहाँ पे अटैक्स फंस जाता था, ठीक है। तो मैंने मतलब जिस साइड से मैंने चूज़ किया वो साइड बहुत सही था। ओके, सो गाइस ये तो थी टर्मिनल लाइन का बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी। आप मतलब आप कमेंट करके बता देना कि आप कौन सी अटैक स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं टर्मिनल लाइन में। अगर आपके पास टर्मिनल लाइन का आईडी है तो प्लीज़ ये दोनों स्ट्रेटजी बहुत इजी स्ट्रेटजी है। मतलब इस ये आर्मी कंपोजिशन को डिफेंड करने के लिए कोई भी बेस ऐसा नहीं है कि डिफेंड कर पाएगा। ओके, सो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, और आप मतलब कॉपी करना चाहते हो ये अटैक स्ट्रेटजी तो प्लीज़ कॉपी कर सकते हो, और थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, तो वीडियो एंड करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बाजू वाला घंटे को दबा देना। और गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम फ्यूचर में ला लेंगे। ओके, तो आप लोग सभी मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। मुझे अटैक स्ट्रेटजी आता है, लीक्स वगैरह आता है, और स्टैंडर्ड प्लेयर के बारे में आता है, बट मतलब टॉपिक्स कंटेंट बहुत कम है क्लैश ऑफ क्लैंस में अभी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैंस। बाय बाय।